हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के, और एक्सेल में देखिए खास क्या है आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आते हैं आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, और इसमें अलग अलग एम्प्लॉयज की सेल जो है यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि जैसे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम जैसे ही एम्प्लॉय का नाम टाइप करें, टोटल सेल अपने आप आ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाइएगा। क्या लगाना है? सम। जोड़ने के लिए तो हम सम ही लगाते हैं। इसके तुरंत बाद लगाइएगा वी लुकअप। अभी तो वी लुकअप लगा दिया है, लेकिन कैसे कैसे ये काम करेगा उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय का नेम लिखे हैं उसी का टोटल सेल आए, और ये पूरा डेटा फेच होगा यहाँ से। तो इसको हमने ले लिया है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाइए। यहाँ पे जनवरी लिखना है, ठीक है, लेकिन पहले कॉमा दे लीजिएगा, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाइएगा, और जनवरी लिखिएगा नहीं, जनवरी का कॉलम नंबर टाइप कीजिए। टू, और क्या चाहिए? थ्री चाहिए, और क्या चाहिए? फोर चाहिए, और क्या चाहिए? फाइव चाहिए, कॉमा सिक्स। बस इतना करके कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कीजिए, कॉमा दीजिए, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो दीजिए, और दोनों ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे एनए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं डाली गई है। अब यहाँ पर राम लिखता हूँ और एंटर जैसे ही करता हूँ, तो राम की टोटल सेल निकल के आती है। जैसे ही यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे विराट कर देता हूँ, VIRAT, तो यहाँ पे विराट की टोटल सेल निकल के आ जाएगी। अब थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये हमारा टोटल आया हुआ है यहाँ पे, को थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ से मैं सम कर लेता हूँ सीधा सीधा। तो विराट का देखिए यहाँ पे, ये विराट कहाँ है, ये रहा। तो विराट का टोटल सेल देखने के लिए यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करके, सम का फॉर्मूला ला के सबको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो 33944, 33944, यानी बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम राइट। तो कैसा लगा ये फॉर्मूला मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।